हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पालक पनीर की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। सबसे पहले पालक को साफ़ करके काट लिया था अच्छे से, उसके बाद मैंने पालक को बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद एक अलग बर्तन में निकाल लिया। जैसे ये ठंडी होगी मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। तो आइए पालक पनीर की सब्ज़ी में तड़का लगा लेते हैं। सबसे पहले मैंने सरसों का तेल ऐड किया है। जैसे ये गर्म हो जाएगा मैंने इसमें जीरा ऐड किया है। जैसे ही हमारा जीरा चटक जाएगा उसमें मैंने प्याज, बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड कर दी थी। ये दो मीडियम साइज़ की प्याज है। जैसे ही हमारी प्याज पक जाएंगी, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी, मैंने इसमें टोमेटो प्योरे ऐड कर दिया था। अब इसको एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। फिर थोड़ी देर बाद इसमें मैंने मसाले ऐड किए थे। मसाले में मैंने इसमें रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया था और हरी मिर्ची का पेस्ट, नमक, ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे। बहुत ही सिंपल सब्ज़ी बनाई थी मैंने, ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं। जो बेसिक मसाले होते हैं बस वो ऐड किए हैं। अब इसको एक अच्छा सा मिक्स देके इसको, जब तक मसाला अच्छे से हमारा भुना भुना तैयार नहीं हो जाता तब तक हम इसे पका लेंगे। साथ में मैंने सारा जो भी पालक उबाला हुआ था उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। तो देखते हैं, चलो हमारा तड़का भी तैयार हो गया है। इसमें मैंने अभी लास्ट में पालक ऐड की है जो मैंने ग्राइंड की थी। पालक ऐड कर लेते हैं अभी। पानी आप इसमें अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था। अब इसमें इसको अच्छे से पकाएंगे पालक को। वैसे तो ये पहले से ही पकी हुई है बट जैसे ये ऊपर ये कोरमा जैसा आ गया है तब तक हम इसे पकाएंगे। लास्ट में मैंने इसमें पनीर ऐड किया है। तो पालक पनीर की सब्ज़ी बनके तैयार है। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी, आप भी बनाइए और खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।